الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجن يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ناظرين मुबारक के आठ रोज़े मुकम्मल हो गए आज नवी रात है इनशा हम आज नवे जुज पर गुफ्तु करेंगे इसकी शुरुआत होती है शुयब सलाम और उनके जो एरोगेंट चीफ्स थे उनकी कौम के जो सरदार थे जो लीडर्स थे उनसे गुफ्तु होती है उनसे डिबेट होता है जो डीनाइर्स ऑफ फेथ होते हैं जो हक़ को मानकर नहीं देते जो इस्लाम दुश्मन होते हैं उनका ये आसान तरीक़ा होता है स्टेट वे उनकी सिटीजनशिप पर सवाल खड़ा करते हैं उनकी शहरीत पर सवाल खड़ा करते हैं कौम शुब के लोगों ने भी यही कहा कि हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम्हें हमारी मिलत की तरफ लौट कर आना है शुयब आसमाम फरमाते हैं अल्लाह ने हमें हिदायत बख्शी है क्या अब इसके बाद हम शिर्क की तरफ वापस लौट कर जाएं? अगर ऐसा करेंगे तो एक बहुत बड़ा जुल्म का काम करेंगे इस बारे में जो दूसरी बात आई है और कदर तफसील से बयान हुई है और वो है कि अल्लाह ताला तफरा को भी और कौमों को भी एक साइकिल से गुजारता है एक तरफ एडवर्सिटी आती है तकलीफ़ें आती हैं परेशानियाँ आती हैं मुसीबतें आती हैं उसका मकसद अल्लाह ताला ने बयान किया कि ताकि लोग तजर्रो इख्तियार करें हम्बल बने खुदा की तरफ लौटें नरम रवैया इख्तियार करें अपनी अकड़ फूँ की तबीयत को छोड़ें और तर्क करें उसके बाद जब लोग हम्बल नहीं होते लोग मुश्किलात से फ़ायदा नहीं उठाते अपनी ज़ात को संवारते नहीं तो उसके बाद अल्लाह ताला माल और दौलत की फरावानी कर देता है ये भी एक बड़ी आजमाइश है कि माल और दौलत की फरावानी पाकर फूले नहीं समाते उनके पैर ज़मीन पर नहीं टिकते मज़ीद वो ज़मीन में फसाद बर्पा करने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि वो जो मुसीबत आई थी वो तो वक्ती थी हमारे बाप दादा पर भी इस तरह के दौर गुजरे हैं फिर अचानक हम उन्हें किसी रात या किसी दिन पकड़ लेते हैं जब उन्हें वह में गुमान भी नहीं होता वो समझ भी नहीं पाते जब मुश्किल के दौर में हमारी नैय डुबोई नहीं गई तो खुशहाली के ज़माने में हमें क्या नुकसान हो जाएगा लेकिन न खुशहाली के ज़माने में अल्लाह ताला उन्हें पकड़ लेता है अफ़राध के साथ भी ऐसा होता है और कौमों के साथ भी ये साइकिल चलती रहता है अल्लाह ताला ने बताया कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है उसके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है वह अपने बंदों के मामले में बहुत ही हसास है और इज्तमाही मामले में अल्लाह ताला यही कौमों के और जवाल को तय कर देता है फिर ये कहा गया कि कभी भी आदमी को मुतमयन नहीं हो जाना चाहिए कि जो कुछ वो नेकी के काम कर रहा है वो बहुत कर रहा है डोंट बी कॉम्प्लेसेंट। कहा कि अल्लाह ताला की तरफ लौटते रहो ईमान के साथ और तखबा के साथ और अपना तखबा जो कुछ है उसकी सूरत हाल का जायज़ा लो सूर आरा वो सूरत है जिसमें हज़रत मूसा सलाम का वाक़ कदर तफसील से बयान किया गया है इसमें बहुत से गोशे हैं उन तमाम गोशों पर अल्लाह ताला ने रोशनी डाली है उनमें से एक जो हिस्सा समझने का है पर्सनैलिटी के हवाले से वो है सेल्फ इमेज मूसा अलैहिस्सलाम को रोज़े अव्वल से अपना इमेज वेरी क्लियर था वो बनी इसराइल में से थे फिराउन के महल में पल रहे थे लेकिन किसी दिन भी उन्हें यह वहम नहीं हुआ कि वो रूलिंग क्लास के हैं उनकी हमदर्दियाँ हमेशा अपनी कौम से रही हैं वो जुल्म होते हुए देख कर बर्दाश्त नहीं कर सकते जब वो इंस्पेक्टर के हिस्से शहर में निकलते थे तब भी इन चीज़ों का वो जायज़ा लेते थे उसके बाद मदियन गए वहाँ भी उन्हें अपना इमेज वेरी क्लियर था वो दो लड़कियाँ जो अपनी बकरियों को रखे हुए खड़ी थी उनकी मदद करते हैं वापस जब लौट कर आते हैं और अल्लाह ताला उन्हें नबूत से सरफराज फरमाता है तब भी अपना इमेज वेरी क्लियर है सेल्फ़ इमेज वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि मैंने एक कत्ल कर दिया अब कैसे मैं फ़िर उनके दरबार में जाऊँ वो मुझ पर गुनाह का इल्ज़ाम रखेंगे मुझे एक सपोर्टर चाहिए ताकि मेरी गुफ्तगु में आसानी हो मदद हो ये सब सेल्फ इमेज की क्लैरिटी लीडर को होनी चाहिए हजरत मूसा आलम की जिंदगी का यह पहलू इस सूरत के अंदर नुमाया है दूसरा जो पहलू है वो चैलेंजेस को फेस करना मुश्किल को फेस करना सिर्फ चैलेंजेस को फेस नहीं करना है बल्कि चैलेंजेस को टर्न करना है अपॉर्चुनिटीज में मूसा आलम मिसर छोड़कर मदियन की तरफ चलते हैं बहुत लंबा सफर दूर का सफ़र कोई साथी नहीं कोई पुरसाने हाल नहीं साथ में खाने पीने के अशिया नहीं मंजिल कहाँ है ये भी पता नहीं एक सहरा है जंगल और बयाबान से गुजरे चले जाते हैं और एक अजनबी मुकाम पर पहुँचते हैं लेकिन वहाँ अपनी एक नई दुनिया पैदा करते हैं वापस जब लौट कर आते हैं मिस्र में तो फिरौन के दरबार में जो गुफ्तु होती है कैसे कैसे सवालात वो करता है तंज करता है तमस्ख करता है चैलेंज करता है धमकी देता है जादूगरों को जमा करवा लेता है और उनके सामने हज़रत मूसा सलाम को नौजबिल्ला रसुआ करना चाहता है ये सब चैलेंजेस आते हैं हक़ का मानने वाला कभी इन चीज़ों से हक़ का राही अपनी राह खोटी नहीं करता अपने रास्ते पर गामजन रहता है चला जाता है और इन चैलेंजेस को वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लेता है जादूगरों के साथ जो चैलेंज था वो एक बेहतरीन मौका था जादूगरों को भी इस्लाम से तारुफ़ कराने का और आवाम के दरमियान में इस्लाम का तारुफ हो जाए ये लीडरशिप की दूसरी सिफत है और तीसरी सिफत लीडरशिप की वो भी हमें इस सूरत के अंदर मिलती है वो कामों को कैसे किया जाए टास्क को कैसे डेलीगेट किया जाए कौम के नौजवानों को कैसे तैयार किया जाए पब्लिक एड्रेस उन्होंने किया के मोरेल को बूस्ट रखना पड़ता है कहीं मोरेल डाउन ना हो जाए कहीं शिकस्त दिल ना हो जाए पस्त हिम्मत ना हो जाए मजालिम को देख कर परेशानियों को देख कर आज़माइशों को देख कर बन इसराइल घुटने ना टेक दें तो ये सब काम एक लीडर को करना होता है ताकि लोग दीन की राह में साबित क़दम रहें और आखिरत ओरिएंटेड रहें दुनिया में ये जो मजालिम होते हैं उनका तदारुक करें मिटिगेट करें लेकिन आखिरत को फरामोश ना करें लीडरशिप का ये तीसरा बड़ा काम है हजरत की जिंदगी से ये सारी चीज़ें हम देखते हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम की लीडरशिप का भी तस्करा आया और बताया कि आपका काम है निकियों का हुक्म देना बुराइयों से रोकना और बनी इसराइल जिन पाबंदियों में जकड़ गए थे खुद अपने आप पर उन्होंने बहुत सी चीज़ों को लाद लिया था वो जंजीरें काटने के लिए आप आए और उनको आपने रिलीव किया आज़ाद किया उस बोझ से जिस बोझ तले वो दबे जा रहे थे लेकिन बनी इसराइल ने उन सबको नहीं माना फिर उसके बाद आइडिया सेल्फ़ पर गुफगु हुई है जो आज का हमारा मौजू है आखिर में इस बारे की ये बताया गया कि जो कपल्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी का जिक्र किया मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे से करीब आते हैं फिर मर्द अपना एक क़ीमती सामान औरत के हवाले करता है उसके बाद अल्लाह ताला उसे डेवलप करता है उस ख़तरे को डेवलप करता है और उससे एक बच्चा बना देता है इसमें इंसान का अपना कोई रोल नहीं होता मियाँ बीवी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें भला चुंगा बच्चा दे सलाहियत वाला बच्चा दे ऐसी ऐसी सिफात का बच्चा दे जब अल्लाह औलाद से नवाज़ देता है तो लोग शिरक करने लगते हैं और उस औलाद को दूसरे के मरहूनी मिन्नत मानते हैं दूसरों की तरफ मंसूब करते हैं कि फ़लाँ के सदक़े से फ़लाँ की दुआ से और फ़लाँ के नज़र इनायत से ये औलाद हमें मिली है इस साइकोलॉजी का भी तस्करा किया कि जब ज़रूरत पड़ती है तो खुदा की तरफ रुजू करते हैं और जब चीज़ मिल जाती है तो खुदा को फरामोश कर देते हैं जंग बदर के वाक़े पर यह पारा ख़त्म होता है अब हम आते ही आज का जो स्पेशल मौजू है कल जैसे मैंने बताया कि जो वाक़ आदम व शैतान का था उसका रेप्लिका हमारी ज़िंदगी में हम पाते हैं उसी तरह आज जिस वाक़े पर हम बात कर रहे हैं ये भी किस्सा मेरा है ये भी किस्सा आपका है और मैं और आप और हम सब रोज़ाना इस कशमकश से गुज़रते हैं कोई फ़र्द ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी इस कशमकश से पाक हो वो क्या चीज़ है इस पर हम तफसील से बात करेंगे वो मौजू है आइडिया ऑफ सेल्फ हमारी जात का शूर इंसानी शख्सियत का शूर एक तो ये है कि इंसान की हिसियत पर हमने पारा नंबर एक में गुफगू की अब इंसान की शख्सियत पर गुफ्तु करेंगे दी आइडिया ऑफ सेल्फ पर बात करेंगे और शूर नंबर सेवन आयत नंबर वन से वन तक ये बयान किया गया है इसकी शुरुआत है वतलोदी आती आया इन्हें उस शख्स का वाक्य सुनाओ जिसे हमने अपनी आयात का इल्मता किया था अब मुफसरीन ने लिखा है कि वह कौन शख्स है बलआम बिन और, और दीगर लोगों का नाम लिया है सच्ची बात यह है कि ये हम सब का वाक्य है जो बयान किया गया है मेटाफोरिक लैंग्वेज में एक किस्सा एक वाक्य बयान हुआ है और मेटाफर दरअसल इसलिए होते हैं तमसील इसलिए होती है कि लोग उस तमसील में अपने आप को पहुंचाएं और गौर फिक्र करें कि कहीं यह मेरी तो तस्वीर नहीं है कहीं यह मेरा वाक़ तो नहीं है जो बयान किया गया है हमने उसे आयात का इल्म अता किया था फनसल मिन उसे तोड़कर वो भाग निकला उससे बाहर वो निकला फैतान फकानलगा शैतान उसके पीछे लग गया जब उसने रस्सा तोड़ा लिया जब वो दायरे से बाहर निकल गया जब वो पाबंदियों को उतार फेंका तो शैतान उसके पीछे लग गया और वो गुमराह होने वालों में से होकर रहा वो शराफा अनाहु बिहा हम चाहते थे कि उन आयतों के जरिए वो बुलंदियों का सफर करे लेकिन हुआ क्या वाला किन्द अर्ज वो जमीन की तरफ झुकता चला गया वह तबाह हवा और ख्वाहिशात नफ्स की इतबा में लग गया एक एक-एक लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर आगे में बात करूंगा वह मतलू कमा तल कल्ब यह शख्स कुत्ते की तरह हो गया इसकी मिसाल कुत्ते की सी है इन तहमिल अलह ही और तत हुई यानी यह कि कुत्ता उसे अगर छोड़ दो तब भी वो ज़ुबान लटकाए रहता है और अगर उसे धुतकारो तब भी वो ज़ुबान लटकाए रहता है उसे प्यार करें तब भी उसकी वही हालत है उसे झिड़की दें तब भी उसकी वही हालत है दालिका मसल अकोम दीना कस भी आयातना यह मिसाल है उन लोगों की जो हमारी आयात को झुटलाते हैं फख्स आतफ़ करू सुनाऊ इनको वाक़ ताकि ये अपनी हालत पर गौर करें ये जो मैंने पहले कहा कि ये वाक़ इसलिए सुनाया गया कि इंसान अपने आप पर गौर करे सा मसलिलकौमदीना कस जब व्यातना बहुत बुरी मिसाल है उस कौम की जो अल्लाह ताला की आयत को झुट लाए व अनफुस कानू यजलिमून किसी पर नहीं अपनी जानों पर ये लोग जुल्म करते हैं मैं यदी फहुवल मुहतदी जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे वही हिदायत पाता है वह मैं युजुलफ खासिरून जिसे गुमराह कर दे वो खसारा उठाने वालों में से होता है वलखद जरा अनाली जहन्मा कसरम मिनल जिन्न बहुत से इंसान ऐसे हैं जिन्हें हमने पैदा किया बाद लोगों ने तर्जमा किया बाद लोगों ने कहा कि जो अपने अमाल की वजह से जहन्नम ही के लिए बनाए गए हैं लहुम खलूब उल्लाफ कहून अबीहा व लहुम आयून लाबरून अबीहा वलुम आदानल्लासमाऊन अबी उलाई का कलन आमी बलहम अज़ल उलायक मुल़ाफिल हमने इन्हें दिल दिए मगर उससे वो सोचने समझने का काम नहीं लेते हमने इन्हें आँखें दी मगर उससे हक़ वो देखते नहीं हमने इन्हें कान दिए मगर उससे वो हक बात सुनते नहीं का कलन आम ये जानवर ही बल्कि उससे ज़्यादा गए गुजरे हैं और ये गफलत में पड़े हुए लोग हैं इंसानी जिंदगी की पूरी तस्वीर इन चंद आयतों में अल्लाह ताला ने खींच कर रख दी इस पर हम गुफ्तु के आखिर में और तफसल से बात करेंगे इन आयतों में जो पिनहा राज है इन आयतों में जो मौजूद सबक है वो हम इनशा आखिर में ड्रा करेंगे लेकिन उससे पहले आइडिया ऑफ सेल्फ इसको समझ लें यानी फ़िलासफ़र्स के दरमियान हमेशा से ये सवाल ज़ेर बहस रहा कि इंसान की हैसियत क्या है इंसान की शख्सियत क्या है वॉट डज़ इट मीन टू बी ह्यूमन बींग इंसान होने का मतलब क्या है फलसफे का मरकजी नुकता रहा है जिस पर लोगों ने गुफ्तु की है हर जमाने में और लोगों ने कहा कि भाई यह माइंड एंड बॉडी का रिलेशनशिप है यहां तक वो पहुंचे लेकिन इसको भी वो वाज नहीं कर सके माइंड को भी आज तक साइकोलॉजिस्ट क्लियरली बता नहीं सके कि माइंड से मुराद क्या है कुछ अंदाजे हैं कुछ मुताला हैं कुछ तहकीक़ात हैं लेकिन उसकी रियलिटी तक भी इंसान नहीं पहुँच सका डे आर्टिस्ट जो फ्रांस का फिलोसोफर गुज़रा है मैथमेटिशियन गुजरा है वो क़रीब तक आया लेकिन उसने भी इंसान को ये बताया कि चूँकि वो अक़ल से नवाजा गया है उसके पास अकल है तो वो सुप्रीम है वो अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद तय कर सकता है उसे किसी खुदा की ज़रूरत नहीं है उसे किसी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है हालांकि उसने इमाम गजाली वग़ैरह का भी मुताला किया है एक टूनीशन आथर ने लिखा है कि डेकार्टेस की लाइब्रेरी में जो पेरिस में है वहाँ उसकी किताबों को उठाकर उन्होंने देखा उसमें उसने इमाम गज़ाली की किताबों का मताल किया है और कई जगह उसने नोट्स लिखे हैं एक जगह तो उसने लिखा है कि दिस शुड बी अडॉप्टेड इन अवर मैथडोलॉजी ये नुक़ः नज़र को हमें लेना चाहिए लेकिन उसकी तहरीर में वो नुक़ः नज़र नहीं पा सकते तो ह्यूमन बीइंग क्या है इसको फिलासफर्स नहीं समझ सके दौरे जदीद के उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसान का जो यूनिकनेस है यूनिकली रैशनल भी है और एक सोल के साथ एक रूह के साथ दुनिया में आया है ये जो कॉम्बिनेशन है इसको मिस करने के नतीजे में जितनी तहकीकात आज के ज़माने में साइकोलॉजिस्ट ने किए ही वो सब वन साइड ही इसलिए कि उन्होंने रूह का इनकार किया इंसान को उन्होंने जानवरों की तरह एक जानवर समझा सोशल एनिमल समझा और उसकी जो रूहानी कैफियत है उसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया हालांकि रूहानियत उसके जिसम पर और उसके मादी ज़रूरतों पर हावी है और गालिब है यह स्पिरिचुअलिटी का इनकार करने का नतीजा हुआ और ये मालूम नहीं कर सके कि इंसान दरअसल आगे जो बढ़ता है वो वजह क्या है वो डिज़ायर्स नहीं है। एक रैशनल प्रोसेस से जिससे इंसान ज़िंदगी बसर करता है ये आइडिया नहीं होने के नतीजे में सिर्फ ख़्वाहिशात को उन्होंने मरकज़ी नुकता बनाया और कहा कि इंसान ख्वाहिशात की तबाह में ज़िंदगी बसर करता है इस्लाम का जो है अभी जो हमने आयतें पढ़ी उसमें मालूम होता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक फ़्री विल अता किया आज़ाद मर्जी अता की वो चाहें तो राह रास्त पर आ सकता है और चाहें तो वो नीचे की तरफ झुक सकता है ये जो फ्री विल का आइडिया है ये फ्री विल का आइडिया इन लोगों ने खो दिया जिसके नतीजे में साइकोलॉजिस्ट ने आइडिया ऑफ सेल्फ इंसानी ज़ात इंसानी शख्सियत के बारे में जितनी बातें बताएं वो दो में से एक हैं या तो उन्होंने इंसान को मशीन से ताबीर किया या उन्होंने इंसान को गॉड लाइक बना दिया वो अपना खुदा आप है ये दोनों गलत तस्वुरा हैं इंसान के बारे में हम इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू करेंगे इस पर मैंने कहा कि जो फिलॉसफर्स इंसान को सुप्रीम उसकी अक्ल की वजह से मानते हैं वो उसे अपना खुदा आप बना देते हैं डार्विन हो सिगमंड सिगमंड्राइड हो या दीगर जो बायोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं उन्होंने इंसान को एक मशीन की शक्ल में समझा है एक मशीन की हिसियत से उसे देखा है 1930 से 1955 के आसपास में साइकोलॉजिस्ट ने इंसान को मशीन ही से ताबीर किया यह लफ ज्यादा इस्तेमाल हुआ 55, 60 के बाद कंप्यूटर का लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा चूंकि कंप्यूटर दुनिया में आ चुका था तो ह्यूमन माइंड इज़ समथिंग लाइक ए कंप्यूटर कहा जाने लगा और कंप्यूटर की जैसे प्रोग्रामिंग हो जाती है वैसे इंसान की प्रोग्रामिंग होती है इधर उनके पेरेंट्स प्रोग्रामिंग करते हैं या माहौल उनकी प्रोग्रामिंग करता है तो उसके नतीजे में इंसान अमल करता है तो मशीन ही की सूरत में उन्होंने देखा तो मैन एक ऑल नोइंग ऑल जस्ट एक कॉन्सेप्ट है और दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि इंसान का बिहेवियर इन्वॉलेंट्री है और विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट इंसान ज़िंदगी बसर करता है प्री डिटर्मिंड है और एक रास्ते पर चला जाता है मशीन की तरह है कंप्यूटर की तरह है मैं साइकोलॉजिकल टर्म्स को इस्तेमाल किए बग़ैर आसान जुबान में आपके सामने बताना चाहूँगा कि इंसानी शख्सियत इंसानी जात के बारे में चार तस्वुरा थी तीन मौजूदा दौर के तस्वरत हैं और इस्लाम का अपना एक तस्वुर है मैंने जैसे कहा कि आसान जुबान में मुझे आपके सामने बयान करना है पहला तस्वर है सिगमंड फ्रॉइड जैसे लोगों का वो इंसान को एक इंजन की शक्ल में देखता है स्टीम इंजन स्टीम इंजन में आप देखते हैं कि इंजन जो आगे जाती है वो स्टीम की वजह से है एक तरफ आग होती है दूसरी तरफ पानी होता है और आग और पानी से इंजन नहीं चलती बल्कि इंजन चलती है उस भाप से वो जो एनर्जी है फ्राइड के नज़दीक इंसानी ज़िंदगी जो है वो टोटली सेक्सुअल एनर्जी पर मौकफ़ है इंसान का जो सेक्स है उसका जो जज्बा है उसी से उसकी पूरी ज़िंदगी चलती है यहां मुझे मौका नहीं है तफसील में जाने का कि वो मुकद्दस रिश्तों को भी जिनसी जज्बे से देखता है शायर की शायरी को आर्टिस्ट की पेंटिंग को हर चीज़ को वो जिनसी नुक़ः नज़र ही से देखता है और उसने इंसानी शख्सियत के तीन लेवल्स बताए या तीन एलिमेंट्स बताए एक उसमें इड है इड का मतलब है नफ्स अमारा या ख्वाहिशात नफ्स या इंस्टिंक्ट, या आरजू ये आरजू इंसान के ज़ोर आवर होते हैं उससे मुताबे करते हैं और चाहते हैं कि उसकी जरूरियात की तकमील हो और फौरी तकमील हो यह इड है इंस्टिंक्ट का लेवल है और उसके ऊपर ईगो है जो उसका रैशनल माइंड है वो कहता है कि रास्ता निकाल के देगा वो और उसके ऊपर एक सुपर ईगो है सुपर ईगो उसका मॉरल बीइंग है एक उसका फिजिकल बीइंग है या एनिमल बीइंग है एक उसका जो पार्ट है वो रैशनल बीइंग है एक उसका पार्ट है वो मॉरल बीइंग है तो इंसान जैसे ही किसी बुराई की ख्वाहिश करता है तो सुपर ईगो जो उसका अखलाके हिस्सा है वो दोनों में तसादुम होता है लड़ाई शुरू हो जाती है और कहता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते तो बीच में ईगो आती है जो अना है वो आती है और रैशनल है उसका अंदाज और रास्ता बीच में निकाल कर देती है या यह है कि ईगो का तरीका एक ये भी है यानी जिसे हम आना कहते हैं उसका एक तरीक़ा यह कि बहुत सी ख्वाहिशात को रेप्रेस कर दिया जाता है छुपा दिया जाता है दबा कर रखा जाता है और यह छुपी हुई ख्वाहिशात इंसान की बाहर निकलती हैं स्लिप ऑफ द टंग से बाहर निकलती हैं आर्ट में और पेंटिंग में और बाहर निकलती जब भी मौका मिले इंसान अपनी ख्वाहिश की तकमील कर लेना चाहता है तो पूरी इंसानी ज़िंदगी को वो जिनसी ज़रूरिया जिनसी ख्वाहिशात और उसकी तकमील के हवाले से देखता है क्योंकि उसने खुल्लम खुला खुदा का इनकार किया इसलिए उसने सारी ज़िंदगी को बस एक जानवर की ज़िंदगी की हैसियत से देखा और वो कहता है कि वो दिफाई मकैनिज़म जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके नतीजे में इट के बहुत से काम पसे पर्दा चले जाते हैं और जब मौका मिलता है ईट अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता है ये एक तस्वुर है जो पूरी तरह से मशीन का तस्वुर है दूसरा जो तस्वुर है वो बिहेवरिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने दिया उनका यह कहना है कि इंसान जो कुछ है वो उसका बिहेवियर है और उसका जो बिहेवियर है उसकी लर्निंग है जो कुछ उसने सीखा वो करता है अगर उसका बिहेवियर बदलना हो तो लर्निंग को बदल दीजिए लर्निंग बदलेगा तो बिहेवियर बदल जाएगा उसके जो तौर तरीके हैं स्किनर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे जानवरों पर आजमाया और वहां से ड्राइव करके उसने इंसानों पर अप्लाई किया एक्सट्राफुलेट किया उन एक्सपेरिमेंट्स को और उसका ये कहना है कि इंसान दरअसल जो कुछ फंक्शन करता है बिल्कुल ऑर्डरली करता है यानी उसने भी इंसान को मशीन बना दिया और वो ऑर्डरली इसलिए कि उसे जैसे सिखा दिया जाता है जैसे आप घरों में जानवर पालते हैं उन्हें जिस तरह से सिखा दिया जाता है उस तरह से उनके उठने का वक्त एक होता है उनके खाने का एक वक्त होता है उनकी हाजत बरारी का एक वक्त होता है हर चीज़ के लिए वो एक ऑर्डर के पाबंद हो जाते हैं इसी तरह इंसान भी है जो कुछ उसने सीखा वही करता है गोया कहने का मतलब ये है कि वो एक रोबोट है वो एक मशीन है ये दूसरा तस्वुर है अब हम आते हैं तीसरे तस्वुर पर ये दोनों तस्वुरात ने डी कर दिया इंसान को यानी उसके इंसानी हैसियत को गुम कर दिया जानवर बना दिया मशीन बना दिया तो इसलिए एक थर्ड ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट पैदा हुए जिन्हें ह्यूमनिस्ट कहा जाता है उनका यह कहना है कि इंसान जो है वो अकल रखता है जैसे मैंने बताया कि वो अपनी राह मुतिन कर सकता है और सेल्फ़ एक्चुअलाइज कर सकता है उसके अंदर बेपनाह सलाहियतें और खुवते मौजूद हैं वो अपना सेल्फ़ इमेज बनाए वो अपने सेल्फ़ पर तवज्जो दे वो अपने सेल्फ को डेवलप करें। सेल्फ़ ही सब कुछ है सेल्फ गोया एक मानों में खुदा है और उसी की पूजा होती है इसके नतीजे में बहुत से नुकसान आते हैं जो आज ये जो ह्यूमनिस्ट थ्योरी है उसके नतीजे में इंसान जब अपनी ज़ात को मरकज़ बना लेता है तो नैरसिसिस्ट हो जाता है नरगीसीयत उसके अंदर नर आ जाती है अपनी मोहब्बत उसके अंदर बहुत पैदा हो जाती है नई नस्ल के लोगों का आपने देखा होगा कि जैसे उनका फ़ोन खोलेंगे तो वहाँ जो है आपको पिक्चर मिलेगा खुद उनकी तस्वीर मिलेगी उनके कमरे में देखेंगे आप उन्हीं की तस्वीरें हर तरफ मिलेंगी गोया ये नर्सिसज में कि इंसान अपने आप आपसे बेानतहा मोहब्बत करता है और वही सब कुछ है उसकी ख्वाहिश सब कुछ है उसकी मर्जी सब कुछ है उसके बाद ही दूसरों का मुकाम आता है ये जो थ्योरीज हैं शख्सियत के बारे में इसने इंसानों को नारसिसिस बना दिया इसने इंसानों को फ्री लिमिट कर दिया यानी कोई लिमिट नहीं है लिमिटलेस बना दिया उसके नतीजे में सेल्फ इंप्रूवमेंट के चक्कर में इंसान आगे बढ़ता ज़रूर है लेकिन अल्टीमेट ये है कि उसके अंदर बेशुमार खराबियाँ पैदा हो जाती हैं एक्सट्रीम सेल्फ लाव नारसिससिजम सेल्फ डिसेप्शन इस तरह की चीज़ें उसके अंदर पैदा हो जाती हैं इंसान एंटी रिलीजियस हो जाता है खुदा का इनकार करता है इम्पल्सिव हो जाता है जैसे कि आज की नस्ल है हर चीज़ उसे फौरी चाहिए हर चीज़ उसे लजीज़ चाहिए सब्र उसके पास मौजूद नहीं है वह हर चीज़ को ख़ूबसूरत देखना चाहता है किसी आजमाई से नहीं गुजरना चाहता ईगो सेंट्रिक हो जाता है ये सब उसके मसाइल हैं आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम का जो तसवुर है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो पिक्चर जो ड्राॅइंग आपके सामने पेश किया गया है उसमें इस्लाम का नुक़ः नज़र आता है ये तीनों नुते नज़र गलत हैं इंसान को मशीन समझना इंसान को समझना कि जो सिखा दिया जाएगा वो अमल करेगा या इंसान के बारे में ये समझना कि उसकी जात ही असल है अपनी ज़ात के लिए वो जीता है ये सब गलत हैं इस नाम का तस्वर यह है कि इंसान को आप एक प्लेन पर तस्वुर करें और उस प्लेन में अल्लाह ताली ने इंसान को बनाया और बनाया तो दो कम्पोनेट मटीरियल उसके अंदर रख दिए और दोनों मटेरियल एक तरफ रूह और एक तरफ मिट्टी से जिसम को बनाया जैसे ही हम लफ्ज़ रूह सुनते हैं तो हमारा जहन ऊपर की तरफ़ जाता है जैसे ही लफ्ज़ मिट्टी हम सुनते हैं हमारा जहन नीचे की तरफ जाता है अब हमारी पूरी ज़िंदगी इसी कशमकश में गुजरती है रूह के तखाज़े ही जो इंसान को ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं मिट्टी से ये जिसम बना है मिट्टी के ताज़े जो इंसान को नीचे की तरफ ले जाते हैं मिट्टी की तमाम ज़रूरियात जिसम की तमाम जरूरियातवा व खुराक की जरूरियात हो वो पानी हो वो कपड़े हो या घर हो या जिंदगी की दीगर जरूरियात हो उन सब का साजो सामान अल्लाह ताला ने मिट्टी के अंदर रख दिया और कहा कि जाओ मिट्टी में तलाश करो और अपनी मिट्टी की जो हैसियत है अपना जो मटीरियल बींग है उस मटीरियल बींग का सारा साजो सामान ज़मीन से तलाश करके ले आओ दूसरी तरफ रूह है रूह का सामान हम करेंगे फ इमा या तीन हदन फुदाया फ़ला खौफ मलाम हजनू आसमान से वही आती है ये रूहानी ग़ा है इन आयतों में बताया गया कि ऊपर ले जाने के कुछ एलिमेंट्स हैं और नीचे ले जाने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं एक, -एक लफ्ज़ पर आप मार करके पढ़ सकते हैं देख सकते हैं नफ़े आप मारा दिया अल्लाह त वो चाहता है कि इंसान को नीचे की तरफ ले जाए वो चाहता है कि ख्वाहिशात की तकमील हो नीचे ले जाने वाले हवा होते हैं हवा का अपोजिट हुदा है अरबी अर में हवा कहते हैं ख्वाहिश नफ्स को नफ्स अम्मारा डिमांड करता है ख्वाहिशात नफ्स उसे नीचे की तरफ ले आते हैं और एक और एलिमेंट है जो उसे नीचे की तरफ खींचते हैं वो है शैतान जिस पर हम दो तीन दिन पहले गुफ्तगु कर चुके हैं तो एक शैतान है जो इंसान को नीचे लाना चाहता है एक हवाए नफ्स हैं जो इंसान को नीचे ले आना चाहते हैं और नफ्स अम्मारा है जो बार बार बुराइयों की ताकीद करते रहता है ये ख्वाहिशात आरजू की जगह या ख़्वाहिशात जो है दिल की जगह अटैक करते हैं और शैतान है जो माइंड की जगह अटैक करता है और इंसान नीचे की तरफ चला जाता है कुरान ने बताया कि कुत्ते की मिसाल है कुत्ता हमेशा या तो वह पेट का बंदा होता है या सेक्स का बंदा होता है ज़ुबान लटकाए रखता है और चलते हुए वो नाक से सूंघते हुए चलता है और इतना हरीस होता है कि पेट भरा हुआ हो तब भी वो एक बड़े मुर्दा लाश को देखेगा तो रुक जाएगा और खाने के लिए तैयार हो जाएगा उसे आप ए सी वाले कार में बिठाएं तब भी उसकी सूरत हाल वही है और अगर धूप में उसे छोड़ दें खुला तब भी उसकी सूरत हाल वही है वो नफ़्स का बंदा होता है तो इंसान भी जब हवाए नफ्स और शैतान की तबा करता है और नफ्स अब के रास्ते पर चल पड़ता है तो नीचे की तरफ़ जाता है और ने जैसे कहा कि सुम्मा रदू असफल साफिलीन सबसे नीचे जगह चला जाता है जानवरों से भी नीचे हो जाता है इंसान ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि शैतान भी शर्मा जाए और आखिरकार उसका ठिकाना जहन्नम में दूसरी तरफ ऊपर ले जाने वाले एलिमेंट से नफसेमा है जो उसे कहता है मलामत करता है कि तुम गलत कर रहे हो तुम्हें ऊपर की तरफ जाना चाहिए ऊपर की तरफ जाना चाहिए एक तरफ हवा के मुकाबले में हुदा है खुदा की शरीयत है खुदा का कलाम है खुदा की किताब है जो इंसान को ऊपर की तरफ ले जाती है और एक और एक कशमकश जद्दोजहद इंसान करता है और जिहादान नफ्स हमेशा उसे कशमकश करनी पड़ती है जब तक वो जिहादान नफ्स नहीं करेगा अपने नफ्स से नहीं लड़ेगा वो ऊपर की तरफ नहीं जाता जब वो हिदायत की पैरवी करता है और अपने आप को ठीक रखने के लिए जद्दहद करता है तो उसके नतीजे में वो एकदम ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है जिसे हम कहते हैं नफ्स मतम इतमान वाली रूह उसकी हो जाती है इतमान वाला नफ्स उसका हो जाता है और आखिरकार उसका ठिकाना जन्नत है ये पूरी कशमकश है इंसानी ज़िंदगी की जिसमें आपने देखा कि इंसान सिर्फ मटेरियल बीइंग नहीं है बल्कि उसके साथ साथ उसकी एक स्पिरिचुअलिटी है और उसकी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ज़मानों में कलाम इलाही को भेजा और आखिर मरतबा उसने किताब कुरान को भेजा ये हमारी रूहानी तरक्की का सामान करते हैं हमारी जो शख्सियत है हमारा जो सेल्फ है वो सेल्फ इन दो चीज़ों से बना हुआ है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम अपनी ज़मीन की ज़रूरियात की तकमील में लगा दें पूरी ज़िंदगी बल्कि कशमकश करके हमें ऊपर उठना पड़ता है ज़मीन की ज़रूरियात को हम छोड़ सकते हैं और ज़मीन की मुश्किल को हम बर्दाश्त कर सकते हैं ज़मीनी ज़िंदगी के नुकसान को हम बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन ऊपर वाली ज़िंदगी रूहानी ज़िंदगी जन्नत की ज़िंदगी और नफ्सें मतमिन न बनने के रास्ते में ज़रा बराबर हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते और मुसलसल हमें अपने आप से कशमकश करना पड़ता है और ऊपर की तरफ जाना पड़ता है रमज़ान बेहतरीन मौका है अपने नफ्स का जायज़ा लेने के लिए इस कशमकश का जायज़ा लेने के लिए और देखने के लिए कि रोज़ाना हम हवाए नफ्स की कितनी इतबा करते हैं हुदा की कितनी इतबा करते हैं हम नफ़ अम्मारा की कितनी सुनते हैं नफ़ लवामा की कितनी सुनते हैं हम शैतान की कितनी पैरवी करते हैं उससे लड़ने के लिए कितनी जिद्दोजहद करते हैं अल्टीमेटली जब हम रात में सोते हैं तो उस वक्त हमारी सूरत हाल क्या होती है के फमतलो कम कल्ब वाली मिसाल होती है या यह है कि नफ़ मतम वाली मिसाल होती है ये कशमकश का जायज़ा लेने का ये महीना है और जायज़ा लेकर जो कुछ हुआ उसे फरामोश करके, तौबा करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और हर दिन हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ़ जाएं और जिस दिन फरिश्ता आकर हमारी रूह कब्ज़ करे उस दिन हमारा सफ़र ऊपर की तरफ़ हो तो हम कामयाब हो गए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसकी तोफ़ी कता फ़रमाए